दोस्तों ये तो आपने कई बार देखा होगा कि गुनहगार गुनाह करने के बाद कभी भी अपना वो गुनाह एक्सेप्ट नहीं करता। चोरी करने के बाद चोर से पूछोगे क्या तुमने चोरी की, तो वो हमेशा मना करेगा। उसी तरह से कभी भी जो कत्ल करने वाला कातिल होता है वो तब तक अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं करता जब तक उसके खिलाफ पुलिस को कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस या कोई गवाह नहीं मिल जाता। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग सी है। यहाँ एक पत्नी अपने पति का कत्ल करने के बाद पुलिस को ये बोल देती है कि हाँ मैंने किया है अपने पति का कत्ल, मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाती, वो जेल में है लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलता क्योंकि ना कोई पुख्ता सबूत है, ना कोई गवाह और ना पुलिस को उस इंसान की उसके पति की लाश मिलती है। दोस्तों ये कहानी है केरला की और ये लेटेस्ट स्टोरी है। मैं इस कहानी के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। ये कहानी है 28 जुलाई 2023 की, यानी कि कुछ दिनों पहले की, ये अगस्त चल रहा है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है केरला की एक फैमिली की। नौशाद जो अपनी पत्नी अफसाना के साथ रहता है और साथ ही दो बच्चे हैं। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं लेकिन अब हालात कुछ यूं हैं कि जब देखो उनकी लड़ाइयाँ होती रहती है। सब इस बात से वाकिफ़ हैं, घर के आसपास ही बहुत से रिश्तेदार रहते हैं और वो हमेशा उनकी लड़ाइयाँ सुनते रहते हैं। अब ये आपको ले जाती हूँ मैं जिस रात की ये घटना है उस रात में। दिनांक थी 5 नवंबर 2021, यानी कि लगभग 21 महीने पहले की। उस रात हर बार की तरह नौशाद और पत्नी अफसाना की लड़ाई हुई। इस बार बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू होने लगी। अफसाना के जितने भी रिश्तेदार आसपास रहते थे आवाज़ सुन के वो उसके पास आ गए, घर में आ गए। और जब उसने देखा, उन्होंने देखा कि नौशाद अपनी पत्नी अफसाना को मार रहा है, तो प्रोटेक्शन के लिए वो भी सब मिलकर नौशाद को मारने लगे। अब इसके बाद नौशाद बड़ा परेशान हो गया, कई जगह उसको चोटें भी आई, तो वो भागने के लिए भागा। दरवाजे पर वो लोग खड़े थे तो उसने खुली खिड़की देखी तो वहाँ से वो कूद पड़ा। अब दोस्तों उस दिन के बाद रात गई, कुछ दिन गए, अफसाना उसका इंतज़ार कर रही लेकिन उसका पति नौशाद वापस नहीं आया। उसके बाद हुआ ये कि नौशाद के पिता ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि भाई मेरा जो बेटा है नौशाद वो लापता है, इतने दिनों से वो घर वापस नहीं आया है। अफसाना को लगा यार मुझको भी ये एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ की तरह जाना चाहिए, वरना लोगों को लगेगा ये क्यों नहीं जा रही है। तो वो पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ रिपोर्ट लिखवाती है, सब बताती है और बताती है उस दिन से वो गायब है मेरा पति नौशाद। पुलिस स्टेशन वाले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और शुरुआत कर देते हैं छानबीन की। हर हफ्ते जो अफसाना है वो पुलिस स्टेशन जाती और पूछा करती कि क्या स्टेटस है, आप मेरे पति को प्लीज़ ढूंढ के लाइए, इतने दिन हो गए। यूं ही दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं लेकिन नौशाद अफसाना के पति का कुछ मालूम नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस 20-21 महीने में पुलिस को जो अफसाना है उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस नज़र आते हैं। कई बार कई महीनों के बाद ब्रेक के बाद वो हमेशा ये बोला करती कि मैंने नौशाद को सर आज वहाँ उस इलाके में देखा था, आप प्लीज़ वहाँ जाइए और छानबीन कीजिए। अब पुलिस उसकी बात मानकर वहाँ जाती पर नौशाद का कुछ अता पता नहीं। ये बहुत बार हो चुका था और इस बार एक नया अफसर जब अपॉइंट हुआ पुलिस में, पुलिस स्टेशन में, तो उसने बोला कि यार जो ये लास्ट बार ये औरत बोल के गई है ना कि उस स्टॉल में या उस दुकान में इसने अपने पति को देखा, ज़रा उस एरिया में जाओ और वहाँ की थोड़ी छानबीन करो जिससे थोड़ा पता चले कि क्या ये सच में अपने पति को देख रही है या ये झूठ बोल रही है। जब वहाँ पुलिस स्टेशन वाले जाते हैं तो वहाँ वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, वहीं के आसपास के लोगों से बातचीत भी करते हैं। वहाँ उनको मालूम चलता है कि भाई साहब जिस दिनांक की बात कर रही हैं अफसाना कि मैंने अपने पति को वहाँ देखा था और जितने में रोड क्रॉस करके दूसरी साइड गई वो वहाँ से गायब हो गया, उस दिन तो वो खुद ही यहाँ नहीं मौजूद थी। इससे साफ था कि अफसाना पुलिस को गुमराह कर रही थी और अफसाना ने कभी अपने पति नौशाद को इन महीनों में देखा ही नहीं। पुलिस कंफ्यूज कि भाई ऐसा क्यों है और अगर नहीं देखा तो वो झूठी कहानियां क्यों बना रही है। तो उन्होंने अफसाना को पुलिस स्टेशन में बुलाया और उससे पूछताछ की। जब स्ट्रिक्टली उससे सब पूछा गया और उसके बयान को घुमा फिरा के दोबारा से उससे पूछा गया और वो पकड़ी गई, उसकी झूठ जब पकड़ा गया तो अफसाना ने यह माना कि हाँ मैंने अपने पति का कत्ल किया है
और ये सब झूठी कहानियां मैं इसलिए बनाती आई जिससे आप लोगों को ये शक ना हो कि वो शख्स जिसकी पुलिस रिपोर्ट के लिए मैं 10 बार चक्कर काट रही हूँ वो इंसान जिंदा भी है कि नहीं। अब जब इंसान मृत ही घोषित नहीं हुआ या शक ही नहीं हुआ तो उसके कातिल को पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो खुद को बचाने के लिए 20-21 महीने से मैं ये कर रही थी और अब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने अपने पति का कत्ल किया। अब वो बताती है कि हुआ ये था कि उस दिन मैंने भी अपने पति को मारा था और उनके सिर में और बाकी शरीर के हिस्सों में काफ़ी गहरी चोटें आई थी। खिड़की से कूदने के बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इतने दिन से जब वो नहीं आया तो मुझे ये पता था कि शायद वो ज़िंदा नहीं है, वरना वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते। और वो ज़िंदा नहीं है इसका सीधा जो मुजरिम थी वो मैं थी, और अपने आप को बचाने के लिए ये सब मैंने किया। अब पुलिस उसको जेल में डाल देती है, ये बात है 28 जुलाई 2023 की। अब साना जेल में है। अब उसके एक दो दिन बाद शायद 30 जुलाई की ये बात है जब मलयालम एक न्यूज़पेपर ने इस स्टोरी को पूरा कवर किया। वहाँ बताया गया पूरी स्टोरी की कहाँ से शुरू हुई, कैसे 20-21 महीने तक एक महिला ने अपने पति का खून करने के बाद इस बात को छिपाए रखा और पुलिस को गुमराह करती गई, और आखिर में कैसे वही अपने पति की कातिल निकली। तो ये बड़े अच्छे दिलचस्प तरीके से जैसे स्टोरीज का कवरेज किया जाता है, मलयालम न्यूज़पेपर ने ये सब प्रेजेंट किया और सब जगह न्यूज़ फैली, और साथ में बड़ी बड़ी उनकी तस्वीरें भी लगाई गई अफसाना की और साथ में उसके पति नौशाद की। अब इससे हुआ ये कि केरला के पास ही एक जगह थी लगभग 100 किलोमीटर दूर पर, वहाँ जब लोगों ने वो तस्वीर देखी ना तो उनको लगा यार ये इंसान थोड़ा देखा हुआ लग रहा है। 2-4 लोगों ने ये तस्वीर देखी तो एक ने बोला कि भाई ये इंसान तो यहीं एक पास की फैक्ट्री में काम करता है। वो लोग उस न्यूज़पेपर को लेकर वहाँ गए, उस आदमी से पूछा कि क्या तुम नौशाद हो। इंसान चौंक गया कि हाँ, कि क्या ये तुम्हारी पत्नी है, न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोला। वो बोला हाँ। तो बोला भाई जब तुम जिंदा हो तो ये क्या स्टोरी कवर हो रही है, तुम्हारी पत्नी जेल में है कि उसने तुम्हारा मर्डर कर दिया, तुम तो यहाँ जिंदा खड़े हो। तब जाकर उनको ये पता चला कि नौशाद बताता है कि उस दिन मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा अगर मैं वापस वहाँ जाऊँगा तो अफसाना या बाकी लोग मिलकर ज़रूर मुझे जान से मार डालेंगे, और इसी डर से मैं कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह भटकता जा रहा हूँ 21 महीनों से। उसके बाद नौशाद अपनी जगह वापस गया, वहाँ पुलिस ने उससे पूछताछ की कि भाई तुम ही नौशाद हो कि नहीं, और तब मालूम चला कि भाई वो ही नौशाद था, और उसकी पत्नी अफसाना जो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसने ही अपने पति का कत्ल किया है उसको बेल दी गई और जितने भी उसके खिलाफ जितनी भी धाराएं थी वो सब वापस ली गई और प्रोसेसिंग में है। और यहाँ से ये पता चला दोस्तों कि आज के डिजिटल एज, कितना भी हम बोल लें कि सब कुछ मोबाइल है, सब कुछ ये डिजिटलाइजेशन है, लेकिन इसमें भी अखबार की बहुत अहमियत है। आखिर इस स्टोरी में तो अखबार हमारा हीरो निकला, और अफसाना और जो नौशाद था इसकी कहानी बड़ी अनरियलिस्टिक सी लगती है बट है रियलिटी। मैंने सुनी थी कहीं तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। आपको कैसा लगा? ये था केरला का एक इंसिडेंट जो कि काफ़ी सुर्खियों में था और मैंने सुना तो इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी थी तो आपके साथ शेयर किया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसी लगी ये स्टोरी। दोबारा आऊँगी एक और वीडियो के साथ जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और आप तक पहुँचाना लग रहा है बहुत मज़ेदार। फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।